मित्रों नमस्कार। कल हम गणित का जादू देने वाले थे, लेकिन दुर्भाग्य से तबीयत कुछ नासाज होने की वजह से हम उसे नहीं दे सके। आज हम उस गणित के जादू को आपके सामने पेश कर रहे हैं। ये जादू भेजा है काफिल अहमद कुवैत से। उन्होंने केवल हमसे जोड़ बाकी करवा करके हमारे लड़के और लड़की बताई थी, लेकिन हम इसकी ट्रिक, इसका रहस्य आपके सामने उजागर करने जा रहे हैं। मेरे पास एक बच्चा खड़ा है, मैं बच्चे को कहूंगा कि तुम तुम्हारे बहन और भाइयों की संख्या जो तुम्हारी है वो मैं बताऊंगा। मैं जिस तरह से कहूं तुम बोर्ड के ऊपर वैसा ही करते जाओ, अपने मम्मी और पापा दोनों को मिलाकर के संख्या हुई दो, दो लिख लिए। अब तुम इसमें अपने तुम जितने भी भाई हो उनकी संख्या को जोड़ दो। अब जो संख्या नीचे आई है उस संख्या को तुम डबल कर दो या दो से गुना कर दो, एक ही बात है। तुमने जब डबल कर दिया तो इसके अंदर एक और जोड़ दो, करवाने वाले की भी तो एक संख्या होनी चाहिए ना, तो एक और जोड़ दो। जोड़ दिया, अब इसको पांच से गुणा कर दो। अब जो संख्या तुम्हारे पास आई है उसके अंदर अपनी बहनों की संख्याएं जोड़ दो। अब जो संख्या नीचे आई है वह संख्या तुम मुझे बता दो। 47। 47 का मतलब हुआ तुम्हारे दो बहने हैं, सही है। और दो भाई है वो तुम, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब यह कैसे हुआ जबकि नीचे संख्या 47 आई हुई थी, इसके अंदर दो और दो का कोई मेल नहीं है, लेकिन उसके बाद में भी दो भाई और दो बहने मैंने बता दी। आप बड़े हैं तो आप अपने लड़के और लड़कियों की संख्या बहन भाइयों की जगह जोड़ करके बता सकते हैं। अब यह हुआ कैसे, इस गणित के जादू का क्या रहस्य है, मैं ये बताऊं। उससे पहले सदावाली दो बात कर लेते हैं। आपने चैनल को सब्सक्राइब तो कर दिया होगा, जिन्होंने नहीं किया वो कर लें, घंटी वाला बटन जिन्होंने नहीं दबाया वो दबा दें। हमने एक पहेली पूछी थी कि एक थाल मोतियों से भरा, सबके सर पर औंधा धरा, और बड़ी खुशी की बात है कि जिन्होंने भी कमेंट में लिखा था उन सब का ही सही निकला, यह आकाश और तारे थे, सही है। आज 100 कमेंट आए तो 100 के 100 सही है, 100 के 100 सही रहे। आज फिर मैं एक पहेली पूछ रहा हूँ, देखता हूँ इसका जवाब कौन सही देता है। वो पहली है, कोई चीज है यहां नहीं मिलती वहां नहीं मिलती और दुनिया के किसी बाजार में नहीं मिलती, और छोले तो उसके छिलका नहीं है और फोड़े तो उसके गुठली नहीं है। एक बार फिर बता दूं, वह चीज है जो यहां नहीं मिलती और वहां नहीं मिलती और दुनिया के किसी बाजार में नहीं मिलती, छोले तो उसमें छिलका नहीं है और फोड़े तो उसमें गुठली नहीं है। इस पहेली का क्या अर्थ है, क्या उत्तर है इसका, देखते हैं कितने भाई लोग कमेंट में इसको लिखते हैं। जो जीनियस है वो तो बता देगा, निश्चित बात है, और मुझे विश्वास है कि सभी जीनियस है। अब चलो हम इस जादू के ऊपर आते हैं। इससे पहले एक बात और बता दूं मैं आपको,
एक सदस्य है हमारा मयंक इंदौर से, उसने हमें एक इंट्रो बनाकर भेजा। इंट्रो बहुत बढ़िया है और हम उस इंट्रो पर विचार कर रहे हैं कि हमारे गुरु चेला चैनल में इसमें दे, या गुरु चेला चैनल जो भाग दो है, दूसरा है, उसमें दे। अच्छा इंट्रो बनाया है वास्तव में, मैं धन्यवाद है तुम्हें, बढ़िया इंट्रो बना रहा है और भगवान तुम्हें तरक्की दे, यही मेरी शुभकामना है। अब हम इस साधु के रहस्य पर आ जाते हैं। देखिए नीचे जो संख्या बच्चे ने बताई, अब इधर से आके समझा दीजिए बोर्ड से, मैं ये बच्चे से करवा देता हूँ। अच्छा ठीक है। आप बच्चे ने जो संख्या बताई वो संख्या यहाँ लिखो अलग, या नीचे अलग लिखो। इसने जो संख्या बताई थी, इस संख्या में मैंने पांच पांच का भाग दिया, सैतालीस बताई थी इसने, पांच का जब भाग दिया तो भाग नौ पर गया और बाकी दो बचे। बाकी दो बचने का मतलब है नीचे जो संख्या बाकी में बचती है वो बहनों की संख्या होती है। तो तुम्हारी दो बहनें थी, सामने लिख दो बहन, उधर बहन यहाँ निकलेगी, बहन या बेटी, बहन या बेटी। अब अपने किसी के बेटी बेटा भी ऐसे निकाल सकते हैं। हाँ। और उसको मतलब हैरान कर सकते हैं कि यार कैसे किया। हाँ। एक शब्द जान करके आप उसके पूरे इस छोटी सी ट्रिक से पूरा बता सकते हैं और वाह वाह लूट सकते हैं। अब भाग चूंकि नौ पर गया था, नौ पर भाग गया था, नौ पंजे पैंतालीस, तो नौ में से हम एक हटा देंगे क्योंकि हमने एक जुड़वाया था, हम हमारे मन में एक हटा देंगे। जब एक घटाएंगे तो आठ बचे, हमने पहले डबल करवाया था इसलिए हम इसका आधा कर देंगे। हाँ। तो आठ का आधा चार हो गया। चार में से हम माँ बाप या पति पत्नी की संख्या घटाएंगे, दो माँ बाप दो घट गए तो दो घट जाएंगे, तो बाकी बचे तो दो, तो दो भाई है, दो भाई। या दो लड़के हैं। हाँ। चलो एक बार हम इसी को फिर दोबारा एक काल्पनिक संख्या लेकर के इसको करके आपको दिखाते हैं। हाँ। इसको मिटा दो, मान लेते हैं कि चार भाई है और तीन बहने हैं, तो हम सबसे पहले वही करेंगे, या चार बेटे हैं तीन बेटियां हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हम यही करेंगे, पति पत्नी या माँ बाप दो हुए, दो हुए, जब दो हुए तो उसमें हम लड़के या बेटे जोड़ लेंगे, चार, हम चार लड़के या चार बेटे सोच रहे हैं तो इनको जोड़ देंगे, कुल कितने हुए, छह, छह। अब जो हुए उसको हम डबल कर देंगे, डबल करने से हो गया बारह, बारह, बारह में हम एक जोड़ देंगे, करवाने वाला भी तो होना चाहिए ना। हाँ। ये हो गया तेरह, तेरह, हम इसको पांच से गुणा करवाएंगे, ये आ गया सिक्सटी फाइव, सिक्सटी फाइव, पैंसठ। इसके अंदर हम लड़कियां या बहनों की संख्या जुड़वाएंगे जो हमने काल्पनिक तौर पर तीन की थी। हाँ। 68, 68। अब 68 संख्या जब बताई जाएगी तो हम कैसे पता करें कि लड़के हैं कितने। हाँ। लड़के हैं कितनी लड़कियां, या कितने बेटे हैं या कितनी बेटियां, ठीक है, तो हम इसमें पांच का भाग ले लेंगे मन में। हाँ, जो हाँ ठीक है, अड़सठ में पांच का भाग दिया,
बाघ 16 पर जाएगा। हाँ 16 पर भाग गया, नीचे 3 बचे ना, तो 3 लड़के या लड़के तीन लड़की या 3 बेटी हो गई। अब संख्या ही 16, भाग 16 पर गया था ना, 13 पर गया था। हाँ। तो 13 में से हम 1 घटा देंगे, कितने बचे? 12 बच गए। 12 को आधा करेंगे हम, जो हमने डबल करवाया था। हाँ। कितने हुए? 6 और 6 में से हम माँ बाप या पति पत्नी घटा देंगे तो हाँ, 2 अगर 6 में से 2 गए तो 4 बच गए। 4 बचे, इसका मतलब 4 लड़के या 4 बेटे हैं। हो गया जी, शायद आप इस गणित को अच्छी तरह समझ गए होंगे। आप कीजिए, अपने मित्रों को आश्चर्यचकित कीजिए, पढ़ने वाले बच्चे स्कूल के अंदर अपने मित्रों को आश्चर्यचकित कीजिए, यही इस जादू का रहस्य, इस गणित के जादू। अच्छा, ये राघवेंद्र के बारे में मैं बता दूं, ये गुरुजी का पोता है और ये स्कूल टॉपर है अपने अपने जितना अभी तक जितना क्लास में, कौन सी क्लास में है तुम? 8 में आया, अभी तक अपने हर क्लास में स्कूल टॉप किया इसने। तो मित्रों, अब आगे हम फिर मिलेंगे कल एक नए जादू के साथ। कल जादू लेकर ही आएंगे, अच्छा जादू लेकर आएंगे। तब तक के लिए मेरा कृष्णकांत और राघवेंद्र का नमस्कार, जय हिंद। ये इतना जबरदस्त ट्रिक है कि आप स्कूल में अपने सब दोस्तों को हैरान कर सकते हैं, अपने कहीं भी फंक्शन में आप सब दोस्तों को आप एकदम मस्ती ले सकते हैं इसे, और वो सोचने पे मजबूर हो जाएगा यार कैसे हुआ। काफिले मैं जी को कहूंगा क्यों यही है इसकी गणित। यदि हाँ है तो जरूर सूचित करें। धन्यवाद काफिले अहमद भाई।